सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉक में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह का टाइम है, सुबह की लगभग 9 बज रही है और आज का मौसम काफी सुहावना है, काफी तेज धूप खिली हुई है। नाश्ता वगैरह तो हो ही गया है और अभी मेरे को ना मम्मी ने काम दे रखा है। मम्मी ने मेरे को बोला है कि उधर पेड़ पे संतरे निकालने हैं, पक्षियाँ संतरों को खा रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ संतरे निकालने के लिए, उधर की साइड घड़ी के नज़दीक जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। और मैं ना गौशाले से कंडी भी ला गई थी, तो इसी कंडी पर मुझे संतरों को निकालना है। और ठीक इधर साइड है तुलसी के पौधे, तो तुलसी के पौधे भी देखिए आजकल सूख गए हैं। और ऊपर की साइड है सीढ़ी जाने के लिए, तो ये है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। और ठीक यहाँ रास्ते में देखिए भाई, रास्ता भी पूरा बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे डाल के हैं कंक्रीट और रेत वगैरह डाल की है। ऊपर तो जगह है नहीं, तो हमने खच्चरों से सराया यहाँ तक, तो खच्चर लाए यहाँ तक, मतलब गांव के चाचा लोगों ने डाले कंक्रीट और रेत वगैरह खच्चरों में। तो चलिए जी अब चलते हैं संतरा निकालने के लिए उधर की साइड, तो उधर जाना है मुझे जहाँ वो ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मुझे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है संतरे का पेड़ जिसपे काफ़ी सारे संतरे लगे हुए हैं और कुछ ना पक्षियों ने खा रखे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घास फूस और फलों के पेड़ हैं और यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रख रखी हैं, ये तो हमारी हैं और यहाँ नीचे औरों की हैं और ये सगोड़ा हमारा है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए भाई घास और का है, जिसको हमारे पहाड़ों में बड़ेलू बोला जाता है। हमने यहाँ पे मटर बो रखे थे लेकिन पक्षियों ने पूरी तरह से खा दिए। एक ही पौधा दिखाई दे रहा है, मतलब एक दो पौधे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ मटर के। आप लोगों को भी दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा मटर का पौधा, तो इस पे देखिए मटर भी लगे हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मटर लगे हुए हैं, एक दो पौधे ये हैं, कुछ ये रहे यहाँ पे, तो और कुछ ज़्यादा ये घास और का है और मटर के पौधे कम, और कुछ कुछ ना बीज पक्षियों ने खा दिए थे मटर के। ये रहा संतरे का पेड़, जिस संतरे के पेड़ से मुझे माल्टे निकालने हैं, तो इस पेड़ से निकालूंगी। और यहाँ पर मम्मी ना छोटे छोटे पेड़ लगाए थे माल्टे के, तो ये रहा माल्टे का पेड़ जो मम्मी ने लगाया था। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया था, कभी ये इतना छोटा हुआ करता था। और यहाँ पर ये नारंगी का पेड़ है, ये भी मम्मी ने लगाया था और ये ना जब हमने लगाया था तो काफ़ी छोटा था, लगभग 13-14 साल हो गए और ये देखिए इतना बड़ा हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर तिमलों के पेड़ हैं और कुछ यहाँ पर ये देखिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी हुई हैं, कच्ची लकड़ियाँ, यहाँ मैंने बांझ काटा था तो लकड़ियाँ कुछ यहाँ पर इकट्ठा करके रखी हुई हैं और कुछ यहाँ पे इकट्ठा करके रखी हुई है। और ठीक इधर साइड मैंने कच्चा लदू डाल रखा है, मतलब कच्चा गोबर डाल रखा है, यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो जो ये कच्चा लदू होता है ना, तो इसके बाद में खाद बन जाती है, तो मुझे ये उधर गांव के खेतों में ले जाने के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे रख रखा है एक साइड पे इकट्ठा करके। जहाँ मैं संतरे निकालने के लिए आ रही हूँ ना, तो यहाँ धूप काफ़ी देर में लगती है और अभी ना यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा लग रहा है ना। तो फिलहाल अभी इस पेड़ से माल्टे निकाल लेते हैं इस कंडी पर। तो सबसे पहले मैं पेड़ पर चढ़ूंगी, कंडी नहीं ले जाऊँगी, पेड़ पर चढ़ूंगी और संतरे यहाँ नीचे डालूंगी, फिर उसके बाद इस कंडी में भरेंगे। तो अब पेड़ पर चढ़ते हैं। ऊपर की टहनियाँ से तो मैंने संतरे निकाल लिए हैं, बाकी अभी यहाँ पे बच रखी है, तो यहाँ से ये संतरे निकालूंगी मैं, तो यहाँ ऐसे नीचे फेंकूंगी। बाकी ऊपर के तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिर गए नीचे खेत में, तो अब इनको निकाल देते हैं। मैंने इस वाले पेड़ से पूरे संतरे निकाल दिए हैं, एक दो ही छूट रखे हैं, तो
तो वो नहीं निकाल पाई मैं, और जो संतरे गिर रखे हैं ना वो यहाँ नीचे गिर रखे हैं, तो इनको अब मैं भरूंगी इस कंडी में। तो कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ संतरे इधर की साइड गिर रखे हैं, और कुछ संतरे देखिए यहाँ, और कुछ संतरे नीचे खेत में गिर रखे हैं, और कुछ इधर की साइड, ये देखिए इधर की साइड गिर रखे हैं। तो काफ़ी सारे संतरे गिर रखे हैं, तो फटाफट से इन संतरों को इस कंडी में भर लेती हूँ मैं। वैसे ये संतरे ना दिखने में काफ़ी छोटे लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। साइड जितने भी संतरे गिर रखे थे ना, तो वो मैंने इस कंडी में उठा दिए हैं। बाकी अब चलते हैं यहाँ नीचे की साइड, क्योंकि कुछ संतरे ना यहाँ नीचे गिर रखे हैं, तो अब निकाल देते हैं। और ये देखिए रास्ते में ही पड़ गए हैं संतरे, तो अब यहाँ से निकालूंगी मैं संतरों को। और यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा संतरे गिर रखे हैं ऊपर पेड़ से सीधा यहाँ नीचे, और कुछ यहाँ नीचे की साइड भी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ नीचे की साइड, क्योंकि वहाँ भी संतरे गिर रखे हैं, फिर यहाँ ऊपर की साइड से बाद में निकालेंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं। पहले यहाँ पे ना काफ़ी ऊंची दीवार थी, लेकिन यहाँ पे मिट्टी डाल दी है, अब अच्छा हो रहा है मतलब नीचे जाने के लिए। तो फाइनली मैंने आधा कंडी माल्टों की भी निकाल दी है, अब चलते हैं घर। जितने भी इस पेड़ पर माल्टे थे ना, वो भी मैंने निकाल दिए हैं, अब कंडी को लेके चलते हैं सीधा घर में। तो माल्टों को ना मैं घर भी लेके आ गई हूँ, और मम्मी संभालेगी इनको, और अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे किचन गार्डन में जाने की। तो दोस्तों अभी पहुँच गई हूँ अपने किचन गार्डन में, तो किचन गार्डन से मुझे निकालनी है हरी सब्जी। तो सब्जी में मैं निकालूंगी पालक, क्योंकि राई पे ना कीड़े लग रखे हैं, तो पालक निकालूंगी मैं यहाँ से। मैंने यहाँ टोकरी में ना पालक भी निकाल दिया है, तो अभी सब्जी ना कम यू ही, क्योंकि हमारे यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने पे, तो खाना बनाना है उनके लिए। मम्मी तो खाना बनाने पे लगी हुई है, और मम्मी ने मेरे को बोला कि किचन गार्डन से हरी सब्जी लेके आ, तो सब्जी में तो पालक है, और जो राई है ना तो उस पर बारीक कीड़े लगे हुए हैं, तो मैं पालक ही निकालूंगी। तो मैंने एक टोकरी पे फुल पालक भी निकाल दिया है, तो इतना बहुत है। अब चलते हैं दूसरे वाले सगोड़े में। तो अब चलते हैं यहाँ ऊपर वाले सगोड़े में। तो यहाँ से मुझे ना धनिया निकालना है, और धनिया भी अब ना फूल जाएगा धीरे धीरे करके, तो यहाँ से धनिया निकाल देते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे धनिया देखिए काफ़ी सारा हो रखा है, और काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, तो इतना धनिया बहुत है। धनिया और लहसुन के पत्ते तो मैंने निकाल दिए हैं, अब चलते हैं उधर वाले क्यारी में। और इधर वाली क्यारी से ना मुझे मूली निकालनी है, तो ये देखिए मूली ये रही। तो भाई मैंने यहाँ से इस सगोड़े से मूली भी निकाल दी है सलाद के लिए, तो अब चलते हैं। मैंने ना इस टोकरी पे रख दिया है पालक हो गया, धनिया हो गया, और मूली वो भी सलाद के लिए। तो चलिए जी अब चलते हैं घर। वैसे हम मार्केट से सब्जियां नहीं लाते हैं, ज़्यादातर हम किचन गार्डन की सब्जियां ही खाते हैं, और ऑलरेडी घर की जो घर में उगाई हुई रहती है किचन गार्डन में, तो मार्केट से तो सब्जी लाते नहीं हैं। और अभी ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ घर।
अब तो मेरी मम्मी की सख्त ड्यूटी हो गई है लंच बनाने की, जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रही हूँ गौशाला पानी पिलाने के लिए। तो इस पर देखिए भात बना रखा है भैंस के लिए, तो इस पर काली के लिए भात बना रखा है। तो अब चलते हैं गौशाला गाय को पीना देने के लिए। और काली को ना काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई है, तो इसके लिए ना पीना डालूँगी मैं इस वाले बर्तन। अब उस वाले भैंस को पानी पिलाऊंगी। तो मुझे पानी भरना है यहाँ धारे से, तो यहाँ धारे से ही पानी को सारा जाता है गाय भैंसों के लिए, और ये पानी ना पीने के लिए भी है। तो धारे का पानी पिलाएंगे। पहले गाय को पिलाऊंगी, तो देखते हैं पीती है कि नहीं पीती है। तो इसको भी प्यास लग गई है, तो अभी मैं पहले गाय को पानी पिलाऊंगी फिर इस वाले भैंस को। तो गाय ने भी आधा बाल्टी पानी की पी ली है, और जो ये पानी है ना तो इसको मैं दूसरी वाली भैंस के पास दूंगी। तो इसने अभी देखिए पीना नहीं खाया है, ऐसे देखिए पूरी तरह से वो कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। घर भी पहुंच गई हूँ गौशाले से, और मम्मी अभी यहाँ पर काट रही है सलाद। तो मम्मी लंच बन गया? बन गया, दाल सब्जी चावल। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर लगे हैं मिस्त्री, तो मैंने खाना भी बना दिया है, और बाहर में बनाया क्योंकि ऊपर वाला किचन के लिए रास्ता नहीं है, तो भारी पे बनाया मैंने खाना। अभी सलाद काट रही हूँ, फिर उसके बाद लंच परोसेंगे मिस्त्रियों को। मम्मी ने मुझे यहाँ पर गर्मा गर्म लंच परोस दिया है। लंच में है राजमा दाल हो गई, भात हो गया, और हरी सब्जी, और सलाद में है मूली और प्याज। तो गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं, बाहर मिस्त्री लोग खा ही रहे हैं। लंच भी हो गया है, मिस्त्री लोगों को भी मैंने लंच दे दिया है, वो लगे हुए हैं काम पे। तो आज मेरी मम्मी ने पास से लाई है इस माला को, तो मैं तो नहीं पहनती हूँ माला मूला, और संभाल के रखूँगी, और मेरी मम्मी की यादगारें हैं ये। दो बार चली गई मेरी मम्मी यात्रा पे, पर के साल गंगा सागर गई, इस साल नेपाल गई। तो गंगा सागर से भी हमारे लिए जो पीतल के बर्तन होते हैं उसको लाई, इस साल माला लेके आई। तो संभाल के रखेंगे अपनी माँ की दी हुई चीज़ें, यादगार हैं, और पितरों की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो संभाल के रखूँगी इस माला को, और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूम, जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ख्याल रखें।